अरे दया ये लीजिए। ये क्या? अरे मैंने पॉकेट और रुमाल, हाथ रुमाल मांगा था, पॉकेट और टुवाल नहीं। अरे आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं पॉकेट और रुमाल ही लाई हूँ। आप एक काम कीजिए, इस पर फूक मारिए। अरे फूक मारिए तो सही है। अरे जोर से मारिए ना जरा। अब देखिए ये पॉकेट है और ये रुमाल है। तो ये टुवाल? अरे ये टुवाल तो मैं बाहर सुखाने के लिए ले जा रही थी। आप भी आइए, कभी साथ में सुखाएंगे, मजा आएगा। ये भाई ये क्या है? क्या सुबह पहले मुझे मेरी सीरियल पूरी करनी है। दया अगर तुमने सीरियल चालू की तो क्या? तो मैं कल के कल ये टीवी बेच दूंगा। करो आप करो, लो मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जब देखो तब डांटते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। एक चीज से आनंद मिल रहा था वो भी बेचने जा रहे हो। दुकान से तो टीवी बेचते ही हो, घर से भी टीवी बेचना शुरू कर दिया है। अरे दया ये क्या कर रही हो तुम? अब इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये सब बात बापूजी को बताने जा रही हूँ। अभी ये सब बापूजी को बताने की क्या जरूरत है दया? ये लो और बैठो इधर और पूरी रात बैठ के देखो पति की परछाई। क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। अरे बेवकूफ नहीं तो और क्या, सुंदर हीरा ने बताया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया। अरे मामा मामी दोनों मुझे इसी नाम से पुकारते थे बचपन में। गोलगप्पा? ओ अच्छा अच्छा, पानी पूरी का बिजनेस है लड़के का। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आजकल तो लोग कितनी पानी पूरी खाते हैं। हाँ कुंवर, कुंवर कह के बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। अरे लात मारकर भगा देता था उसका भाई, ये तो बेचारे सुंदर वीरा ने बीच में समाधान किया। और सुंदर वीरा की बात नहीं मान रहा है माँ। अरे पूरा दिन मुझे गोद में उठा के घूमते थे। कुछ मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी। और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे, दीदी डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा गीजर चल नहीं रहा है, बिगड़ गया होगा। हैं? टप्पू को भेज के अब्दुल को बुला ले जल्दी। अरे अब्दुल इतनी सुबह सुबह कहाँ होता है? आप 10 मिनट रुकिए, मैं गैस पर गरम पानी करके अभी देती हूँ। अबे 10 मिनट में तो मेरा नाना भी खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? मैं आपको पानी गरम करके दूंगी तब आप नहाओगे ना। अरे मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। तो ये रखिए ही। क्यों? आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, और सर्दी होगी तो आपको नाक पोंछने के लिए रुमाल की तो जरूरत पड़ेगी ना। मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। तो जाइए, मैंने कब मना किया? अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दे, बता रहा हूँ। बापू जी गए तो गाठिया ही ला भाई। बापू जी बुला, गए बापू जी। ये बापूजी ये बोल रहे हैं मुझे कि आप गाठिया ही खाओ। मैंने बोला बापूजी ने बोला नहीं खाने का गाठिया नहीं चाहिए भाई। चल बाजू हट, नहाने तो जाने दे। बापूजी मैं पता है